तो पिछले वीडियो में हमने देखा था नासिक के पंचवटी में सीता गुफा, उसके बाद हमने देखा कालाराम मंदिर और कालाराम मंदिर का इतिहास जाना। उसके बाद हम गए गोदावरी, गोदावरी से हम निकले वनी के लिए, वने में हमने खाया और वहाँ पर होटल पे स्टे किया। अब आगे भारत में कुल 51 शक्तिपीठ है और 3.5 शक्तिपीठ में से एक मानने जाने वाला वनी का गढ़ सप्तशृंगीगढ़। सप्त यानी 7, शृंगी मतलब माउंटेन रेंज, यानी ये जगह है ना 7 माउंटेन से घिरी हुई है, इसलिए इसको सप्तशृंगी कहा जाता है। और आज हम इस वीडियो में इसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले, देखने वाले हैं यहाँ पे आसपास की चीज़ों को। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो गाइस आज है वनी में दिन दूसरा और बज रहे हैं 10:30 सुबह के, लग भी नहीं रहा है, लेकिन अभी हमें जाना है वनी के गढ़। और वनी के गढ़ जाने से पहले एक एक पॉन्ड लगता है वहाँ पे जाके पहले हमें हाथ मुंह धोना है और फिर वहाँ से। वैसे तो हम लोग ने नहा ली, नहाया ना तुम लोग ने? हाँ। नहाया कि नहीं तुम लोग ने? तुमने नहाया नहाया ना? हाँ नहाया ना तुम दोनों ने? हाँ नहाया ना। हाँ तो ये दोनों ने नहाया है, मैंने भी नहाया है, लेकिन फिर भी वैसे ऐसी प्रथा होती है कि हाथ मुंह धोने के बाद हम ऊपर दर्शन के लिए जाते हैं। हाँ। तो अभी उधर जाएगी, लेकिन उसके पहले हमें जाना है चाय पीने, बिकॉज हम चाय सुबह से पिए नहीं है और बहुत ठंडी है इधर, इसलिए चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग ने चाय पिया क्या? नहीं नहीं पिया ना, तो अभी हम चाय पीने जाते हैं। ओके ओके बाय बाय। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा बोल बोल बोल। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। सार के सार को बोले की गरज नहीं आती, बस तुम्ही लोग को बोल लेना, झाले 1000 झाले माझे सब्सक्राइब, बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम लोग होटल के नीचे आ गए और होटल के नीचे आते ही सामने का सीन मतलब मस्त एकदम, इससे अच्छा हम वहाँ पर जाके देखते। अभी मैं जा रहा हूँ ये पहाड़ के साइड, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना वहाँ पे। वैसे प्लान तो बहुत था कि यहाँ पे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे, बट जब ज़्यादा लोगों के साथ आते हैं ना तो प्लान आपका कुछ नहीं रहता। और यहाँ पर मतलब नज़ारा मतलब क्या मस्त है, सच्चे बोल रहा हूँ, यही है मज़े। मैं आसमान की ऊँचाई पर और यहाँ पर कोहरा ही कोहरा है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आँखों से जो मस्त दिख रहा है ना, मजे आ गए यहाँ पर आने के। ये है व्यू फ्रॉम द टॉप, कोरा ही कोरा है और ऐसे जगह पे टाइम लैप्स लेने के मजे आएंगे, बट हम समय के देरी से चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता मैं। ये होटल है जहाँ पर हम ठहरे थे और मस्त होटल है रमा, और ये कृष्ण, यानी यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ से ये होटल पास है और अच्छा होटल है। तो अब हम चल पड़े घूमने, यानी कि यहाँ की जगह को जानने, यहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करने। सो ये जगह पहाड़ पर होने के कारण यहाँ पर कई सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ मिलती है, सो ये लोग वही बेचते हैं। तो ये है वो पॉन्ड, और देखने पर पॉन्ड का पानी आपको थोड़ा गंदा लगेगा,
पर ये गंदा नहीं है, बल्कि ये पानी प्योर है। ये पहाड़ में से आया हुआ पानी है, ना कि ये पॉन्ड किसी ने बनाया है। सो ये पानी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं हूँ इस वक्त पॉन्ड के अंदर, और इस पॉन्ड को बहुत पवित्र मानते हैं। इसका जो पानी है ना, ये ऐसे मतलब कहते हैं कि जिसे भी अगर कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो ना, तो वो यहाँ पर आके नहाने से वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। और ये पॉन्ड में से ही हमें यहाँ से जाना पड़ता है ऊपर मंदिर के लिए। आपको एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, अगर आ रहे हो ना तो शूज़ पहनो ही मत, मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि शूज़ पहनोगे ना तो हर जगह तुम्हें निकालना पड़ेगा। मैंने कल से अपने शूज़ पहने नहीं है। अरे व्यू तो इधर से क्या awesome है, माउंटेन्स एंड माउंटेन। ये शायद से सेकंड जो घाट है ना ऊपर आने के लिए, वो बन सकता है, इसका काम चालू है फिलहाल। ए पर्चील, पर्चील खाली देवा। ये दोस्त लोग अपने इधर बहुत है। हेलो, सो यहाँ पर आपको बंदर बहुत देखने मिलेंगे, यानी कि बहुत, और आप उनको केला भी ऑफर कर सकते हो, और अगर उनको आप अच्छे लगे ना तो वो आपके कंधे पर भी आकर केला खा सकते हैं। उनका कंधे पे बैठना पसंद है। कुटला रे गाँव तुझा, गाँव कौन था तुझा? तो यहाँ से अभी हम लोग जा रहे रिटर्न ये, और इसके बीच में और एक हिस्टोरिकल जगह जो हमको दिखी वो ये है, संजय और सीमा इन लोग का इधर प्रेम का पत्थर है। क्या क्या यार, क्या इतना अच्छा जगह, इतना अच्छा यहाँ पे हिस्ट्री, लेकिन ऐसा गंदे है, बहुत गलत गंदे है। बहुत थकान हो रही है, 2020 में जितना वेट गेन किया था ना, तभी से यहाँ पे निकलने वाला है बहुत। अभी तक हम लोग ने गढ़ भी नहीं चढ़ा। गढ़ तो जब हम लोग आते थे बचपन में तो एक इसमें चढ़ जाते थे बिना स्टॉप, तो अभी क्या पता कितने स्टॉप लेंगे। 2020 ने बहुत गलत किया। ये शंकर मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है ये, जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में काला राम मंदिर देखा था ना, लेकिन वो तो इतना पुराना नहीं है जितना पुराना ये है। वैसे मंदिर अंदर से देखने पर पुराना नहीं लगता क्योंकि इसको रेनोवेट किया है, बट आप इसके पिलर देखिए कितने पुराने। ऐसे जगह घूमने जाते हैं ना, तो कई बार कोई कोई जगह पे ना ज़्यादा लोग नहीं रहते, इसका मतलब ये नहीं कि वो उस जगह पे इतना कुछ है नहीं। ये जो मंदिर है ना, ये सबसे पुराना यहाँ पे शंकर मंदिर है, कि आप इसे देख सकते हैं, देखो, और बहुत पुराना मंदिर है ये। इसके तरफ देख के हमें समझ में आता है कि ये मंदिर कितना पुराना होगा। और वेल, ये एक शंकर मंदिर है, और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन इधर आके इंग्लिश कोई नहीं डेस्टिनेशन है त्रिंबकेश्वर, जहाँ पे हमें जाना है दर्शन लेने के बाद। तो अभी हम फटाक से चलते हैं, क्योंकि अभी हमें गढ़ पे जाना है सीधा। और गढ़ देखो सामने, और बादल, वाह बादल, मैंने तो आज दिन ही बना दिया, ऑसम awesome।